हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध। उसे हम मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। दूध के गाढ़ा होने तक इसे कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक हमारी दूध गाढ़ा ना हो जाए। अब देखिए हमारा दूध पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसे अब हम ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा मिक्सर ठंडा होता है हम अपना चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, 1 कप पानी। अब इसे हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। अब इसमें हम चुटकी भर केसर, 1 छोटा चम्मच गुलाब जल और थोड़े से इलायची पाउडर डालकर इसे उबालकर बंद कर लेंगे। अब हमारा मिक्सर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसमें हम 2 चम्मच मैदा, 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसे अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिक्सर को अच्छी तरीके से हथेली से मसलते रहना है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच घी मिलाकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मसलने से हमारा गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और वो फटेगा भी नहीं। अब इसे हम एक गीले मलमल के कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाते टाइम इसे हथेली से थोड़े अच्छे से दबाते हुए फिर बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से अब हम सारे बॉल्स रेडी कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब इसमें हम हमारे सारे बॉल्स डाल देते हैं। लो फ्लेम पर इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसे हम कंटिन्यूसली चारों तरफ से पलटाते रहेंगे जिससे वो चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हमारा गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब मैंने एक दूसरे गैस स्टोव पर चाशनी को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उस गर्म चाशनी में हम हमारा गुलाब जामुन डाल देंगे। अभी देखिए हमारा गुलाब जामुन गर्म है इसलिए वो चाशनी में ऊपर में है, लेकिन जब वो अच्छी तरीके से चाशनी पी लेगा तब वो नीचे पूरा बैठ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमारे गुलाब जामुन को कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। देखिए अब हमारा गुलाब जामुन कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हुआ है।